सो लेट्स हैव अ लुक एट कंडीशंस फॉर एंटीनोड। तो हमने देखा था कि जो रिजल्ट है एंटीट्यूड था उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, हम चाहें तो इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर ए और आर विच एवर प्रेफर। तो बहुत जगह आर कुछ जगह ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। सो दिस इज माई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ऑफ द रिजल्टेंट वेव, राइट। अब मुझे देखना है कि एंटी नोड्स हमारे कब बनेंगे, क्या कंडीशन से बनेंगे, और सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सो उसके लिए हम यही यूज करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट एंटी नोड वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल विच इज वाइब्रेटिंग मैक्सिमम, मीन पोजिशन का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा मैक्सिमम, दिस पार्टिकल ओवर हियर विच हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। सो इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, अ पार्टिकल विच हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है मेरे इनिशियल वेव्स के एम्पलीट्यूड पर। जैसे कि हमने देखा था कि दोनों मेरी जो वेव्स थी प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेव्स आइडेंटिकल होनी चाहिए इनफैक्ट। तो मैक्सिमम इन दोनों का सुपरपोज होने के बाद, यानी लेट्स से क्रैश और क्रैश साथ में आते हैं, ट्रफ और ट्रफ साथ में आते हैं, सो हो सकता है ए और ए मिलके मैक्सिमम 2a बन सकते हैं या फिर -2a बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्रैश साथ में आ रहे हैं कि ट्रफ साथ में आ रहे हैं। सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट रिजल्टेंट फॉर एंटी नोड कैन आइदर बी प्लस और -2a, डिपेंड करता है क्रैश साथ में आ रहे हैं कि ट्रफ साथ में आ रहे हैं। सो इफ आर कैन बी प्लस और -2a और अ कैपिटल ए कैन बी प्लस और -2a, तो अगर मैं इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई हैव इज 2a cos 2πx by lambda is equal to plus minus 2a, राइट। अब अगर मैं इस 2a को ये साइड लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा cos 2πx by lambda is equal to plus minus 2a by 2a, सो ये कट हो जाएगा, दिस मीन्स cos 2πx by lambda is equal to plus और -1, ये दोनों कट हो गए, मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सो cos और इसके अंदर का ये जो भी पूरा टर्म है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है एंगल को, राइट। तो ये एंगल ऐसा होना चाहिए कि उसका रिजल्टेंट यानी cos का फंक्शन cos थीटा ये जो पूरा है वो प्लस या -1 होना चाहिए। सो ये कौन से केसेस में पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आपका ये 2πx by lambda, पहले तो आपका cos 0 कितना होगा, आपका cos 0 1 होगा, cos 90 आपका 0 होगा, उसके बाद वापस cos 180 -1 होगा। तो मेरे पहले दो कंडीशंस तो हो गए, इट कैन बी आइदर 0, अगर ये 0 होगा तो आपको प्लस 1 मिलेगा, इट कैन बी आइदर पाई दैट मीन्स 180, व्हेन द थीटा इज 180 तब भी आपको -1 मिलेगा, एंड सो ऑन 2πi 3πi 4πi एंड सो ऑन, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम चाहे तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जनरलाइज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2πx by lambda is equal to p times pi। तो यहाँ पे p क्या है, p एक मेरा ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो मेरे p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसमें से कोई भी पी की वैल्यू पुट करके देखो तो उसके लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं स्टेशनरी वेव मिलना चाहिए, राइट। सो इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर मुझे एक्स फिगर आउट करना है यहाँ से, सो एक्स मेरा कितना हो सकता है, एक्स मेरा हो सकता है, एक्स कैन बी पी पाई लैम्डा अपॉन 2πi, सो पाई पाई कट हो जाएगा, मुझे मिलेगा p into lambda by 2, that means x is equal to p lambda by 2। x क्या है, x बता रहा मेरा स्टार्टिंग पोजिशन से कितने दूर, कितने डिस्प्लेसमेंट पे या फिर कितने डिस्टेंस के बाद आपको मेरा एंटी नोड मिलेगा। सो यहाँ पे अगर p टर्म आ रहा है that means आपको x के लिए भी अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, राइट। अगर इसको भी हम पुट करके देखें क्या है हमारे पास p की वैल्यूज हो सकती है 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट करके, तो सबसे पहली वैल्यू है x की जो पॉसिबल है वो हो सकती है 0। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो पॉसिबल है, अगर आप p की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे तो आपको मिलेगा लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप p का वैल्यू 2 पुट करो, दिस गिव्स मी लैम्डा, ये हो जाएगा आपका 2 बाई 2, तो ये 2 कट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट वाला आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट वाला वापस आपको मिलेगा इसकी वैल्यू हमने 3 पुट की, 3 बाई 2 लैमडा एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको 2 लैमडा, क्योंकि आप इसको 4 लैमडा पुट करेंगे, इसके बाद ये कट होने के बाद आपको मिलेगा 2 लैमडा। सो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। इसके बेसिस पर हम एक चीज़ जज कर सकते हैं कि अगर इन सारे डिस्टेंस पे मेरे एंटी नोड बन रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेट से जहाँ पे जब स्टार्ट होगा वहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, फिर उसके एग्जैक्टली लैम्डा बाई टू आधे वेवलेंथ के बाद एंटी नोड बन रहा है, फिर वापस उसके आधे एंटी नोड के बाद ये बन रहा है, तो इसके बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं कि दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। कैसे निकालेंगे, लेट से एक मेरा लैम्डा बाई टू पर है तो दूसरा कहाँ पर होगा, जीरो पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा मुझे, लैम्डा बाई टू। ये आगे वाले के साथ भी ट्राई कर सकते हैं हम, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई टू। सो अगर मैं दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लूँ तो अंदर मिलेगा मुझे 1 माइनस हाफ, एक में से आधा निकाल दोगे, व्हाट यू विल हैव इज हाफ लैम्डा, दैट इज ऑल्सो लैम्डा बाई टू। नेक्स्ट माइनस लैम्डा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे नीचे यहाँ पे 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस गिव्स मी 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बाई 2, दैट इज अगेन लैम्डा बाई 2। सो यहाँ से हमने देखा कि कहीं ना कहीं मेरे दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 रहेगा, राइट, जो हमने लॉजिकली डायग्राम में देखा था। तो सेम हमको कंडीशन मिल गया एंटी नोड्स के लिए, अब हम देखेंगे कंडीशन नोड्स के लिए। तो नोड्स के लिए क्या चीज़ चेंज होगी, नोड्स के लिए सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, स्टार्टिंग में हमने ये जो एम्पलीट्यूड लिया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर या फिर ए, तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एंटी नोड पे। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं होगा, इनफैक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, क्योंकि नोड्स पे आपका पार्टिकल डिस्प्लेस करता ही नहीं, एक ही जगह पे रहता है, राइट। सो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वी गेट ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज द पार्टिकल विल हैव नो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई स्टेशनरी वेव, ये नोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो अगर नोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 है मेरा ए, यानी जो रिजल्ट एम्पलीट्यूड है वो पूरा 0 होगा। इट ऑल्सो मीन्स दैट 2a cos 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो इफ वी टेक 2a ये साइड लेते हैं दूसरे साइड पे, सो मुझे मिलेगा cos 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 अपॉन 2a, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो व्हाट आई हैव इज cos 2 पाई x by lambda is equal to 0. So this value, the value of this angle, या जो theta है मेरा होगा पूरा cos theta के केस में theta इतना होना चाहिए कि आपका cos theta का value 0 है। तो cos theta का value 0 कब आ सकता है, cos theta का value 0 आ सकता है when 2 pi x by lambda, इसकी value कितनी हो, पहले हो सकती है 90, that is pi by 2, वापस 180 नहीं हो सकती, 180 के बाद डायरेक्टली 270 हो सकती है, सो दिस विल बी 3 बाई 2 पाई, 5 बाई 2 पाई, 7 बाई 2 पाई एंड सो ऑन। सो अगर हम यहाँ से x फिगर आउट करने ट्राई करें, x मुझे क्या मिल सकता है, x कैन बी ये 2 पाई, अगर हम यहाँ पे भेज दें तो पाई पाई कट हो जाएगा, राइट, आपका ये 2 नीचे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इससे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, पी की वैल्यू मुझे ऐसी पुट करनी कि आपको जो भी नंबर मिले वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2p-1 लैम्डा बाई 2, सो 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2p-1 लैम्डा बाई 2। अगर यहाँ से मुझे x फिगर आउट करना है तो बाकी सारे टर्म्स को वो साइड भेजना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस विल बी 2p-1 पाई बाई 2, यहाँ से वो साइड क्या किया जाएगा, x यहीं पर रहेगा, ले लैम्डा ऊपर आ जाएगा और आपको साथ में 2 पाई नीचे मिलेगा, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इन रिटर्न व्हाट आई विल हैव इज x इज इक्वल टू 2p-1 लैम्डा बाय 4। सो यहाँ पे p की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, अगेन p की वैल्यू हो सकती है आपकी 1, 2, 3, 4 एंड सो, तो इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है p की। सो अगर इसमें हम p की अलग अलग वैल्यूज पुट करें तो मुझे क्या मिलेगा, लेट्स से मैं p की वैल्यू पुट करता हूँ स्टार्टिंग में 1, सो p की वैल्यू 1 पुट करने पे मुझे मिलेगा, इफ़ p इज 1, सो दिस इज 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2-1,
सो द रिजल्टेंट शुड बी लैम्डा बाय 4, राइट। अगर हम इसके अंदर पी की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो मुझे ये मिलना चाहिए 2 इंटू 2 माइनस 1 लैम्डा बाय 4। तो ये पूरा सॉल्व करने में 4 माइनस 3 दिस विल बी 3 लैम्डा बाय 4। अगेन x इज इक्वल टू पी की वैल्यू अब पुट करेंगे हम 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 लैम्डा बाय 4, सो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। इसके बाद के नेक्स्ट की वैल्यू होनी चाहिए 7 लैम्डा बाय 4, 9 लैम्डा बाय 4 और ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। सो इफ यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, टू सक्सेसिव नोड्स, सो वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो अगर ये मुझे इतने पे मिल रहा है नोड, इतने मिल रहा है, तो जो पास पास वाले हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो ये वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा मुझे। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें सी माइनस करते हैं, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, दिस गिव्स मी आंसर इज वेरी ऑब्वियस, दिस विल बी लैम्डा बाय 2। सो इस केस पर भी मुझे लैम्डा बाय 2 मिलने वाला है, मैं इसमें से कोई भी कर लूँ मुझे मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बाय 4, तो ये मेरा हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 अगेन लैम्डा बाय 2। सो इससे हमने कंक्लूड किया कि दो नोड्स और दो एंटी नोड्स, दोनों ही केस में, दो एडजेसेंट नोड्स हो या दो एडजेसेंट एंटी नोड्स हो, दोनों ही केस में डिफरेंस कितना मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है मुझे लैम्डा बाय 2।